नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा जिला करोल बाग में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे आर के मिश्रा जी हैं जो कि डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एवं पूर्वांचल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आइए इनसे सीधी बात करते हैं। आर के मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं हॉट सीट पर। स्वागत है आपका सर। पहले जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी, अभिनंदन है। आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ। अभी आपको जैसे BLA की जिम्मेदारी दी है सर पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, ये हमारे संगठन का आंतरिक मामला है। BLA 1 सरकार, जनता और पार्टी के बीच का एक सेतु है और ये जिम्मेदारी बहुत अहम है वैसे तो। और इसके पहले हम लोग कोशिश करते थे, हम अपने यहाँ से BLA 1 और भी बनाते रहे। मैं एक जिम्मेदार पद पर रहा हूँ और शुरू से काफ़ी जिम्मेदारियाँ रही है मेरे पास और आज भी मैं जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। लेकिन सवाल मैं आपसे ये भी कर लेता हूँ, अभी जैसे अरविंदर सिंह लवली जी भी दिल्ली अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऑल इंडिया की भी नई टीम भी गठन हुई सर, तो पूरी टीम को आप पहले क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पूरी पहले अपनी टीम को, सबको, तो अपने हृदय से, दिल की गहराइयों से सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और मैं खाली अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को ये कहना चाहूँगा कि BLA 1 के तौर पर जो विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी वोटर की जो समस्याएं हैं, जो पोलिंग बूथ स्टेशंस की समस्याएं हैं और जो किस तरीके की कुल समस्या है, हम अधिकारियों के साथ मिलकर के, निर्वाचन अधिकारियों के साथ और अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के एक समन्वय बिठा करके उसका निराकरण करेंगे और किसी तरीके कोई आगे पोलिंग में दिक्कत ना आए, कोई सुविधा ना आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। 2024 को लेके कांग्रेस किस तरह तैयारी में जुटी हुई है, क्या रणनीति लेके आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दरअसल वास्तव में चुनाव की रणनीति कोई स्पष्ट करने वाली बात तो होती नहीं है, लेकिन चुनाव की रणनीति जो परखने वाले हैं, जो सामने वाले हैं, ये उसका एहसास करते हैं। ये लोगों को पता लगेगा कि हम लोग कितनी सक्रियता से उस टाइम हम लगे हुए हैं। और निश्चित ही 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, वो हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितनी संभव उसके लिए तैयारी हो सकती है, हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। सवाल ये भी कर लेते हैं, अभी जैसे एक देश एक चुनाव जो होने जा रहा है, वन नेशन वन चुनाव, तो क्या लगता है जो आपका गठबंधन बना है इंडिया वर्सेस, कितना कामयाब, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, कोई चुनौतियाँ नहीं, बहुत अच्छा विचार है। एक देश एक चुनाव कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी आइडिया है। समय के लिए उसकी टाइमिंग पर एक ऐतराज़ है। टाइमिंग पर ऐतराज़ खाली इसलिए है कि जब आज 5 स्टेट का चुनाव सिर पर है और 2-4-10 दिनों में 15 दिनों के अंदर इसकी घोषणा हो जानी है, उस बीच में इस चुनाव इस पर चर्चा करना, खैर अभी मैं इस पर कोई किसी तरीके का कोई उंगली आरोप नहीं उठा लगा सकता, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष सत्र बुलाया हुआ है। विशेष सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं था इस टाइम पे, ऐसे देश में कोई इमरजेंसी नहीं है जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन अगर इसके लिए प्रधानमंत्री जी विशेष सत्र बुला रहे हैं तो बड़े खुले तौर पे कह सकता हूँ कि इस इंडिया गठबंधन से फिर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, वो हताशा में हैं, निराशा में हैं, उनको अपनी हार नज़र आ रही है। इसलिए इसको बचने के लिए और कोई बहाना ढूंढने के लिए वो एक विशेष सत्र बुला रहे। विशेष सत्र के आयोजन का अभी कोई औचित्य नहीं था। चुनाव एक साथ हो, आज से पहले आपको याद होगा 1967 तक हमारे यहाँ चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। उसके बाद परिस्थितियाँ बदली, कभी किसी स्टेट में चुनाव हुई, कोई स्टेट की सरकार गिर गई, कभी स्टेट नहीं बनी, तो इस तरीके से चुनाव का जो समन्वय बिगड़ गया स्टेट वाइज और सेंटर वाइज, कोई ऐसा बन नहीं सका। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी का ये विचार है, ये आइडिया है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो हम लोग उसके समर्थन में होना चाहिए। लेकिन ये समय नहीं है। 5 दिन के सत्र में पहला दिन तो जो संसदीय परंपरा है उसकी औपचारिकताओं में ही निपट जाएगा, बाकी 4 दिन रहेंगे, 543 सांसद जहाँ पे बैठे होंगे और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक दिन में चर्चा इसकी नहीं हो सकती। इसके लिए चर्चा के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। तो हर सांसद अपना विचार रखेगा, हर स्टेट के सांसद होंगे, हर टेरिटरी के सांसद होंगे, उनकी समस्याएं अलग हैं। कश्मीर की समस्या अलग हो सकती है, केरल की अलग हो सकती है, UP की अलग हो सकती है, तो उत्तराखंड की अलग हो सकती है। ये वहाँ के सांसद लोग इस पर चर्चा करेंगे, उस चर्चा के बाद जो निर्णय, जो निष्कर्ष निकले, उसके बाद चुनाव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर,
सर, सवाल मेरा ये भी, अब जैसे पटेल नगर विधानसभा हम आपके क्षेत्र में मौजूद हैं, आज के बेसिक क्या मुद्दे हैं इन विधानसभा में? देखो मित्रागर, मैं समस्याएं बताना चाहूँ तो समस्याओं का तो कोई अंत नहीं है, जहाँ से शुरू करें हम वहीं से समस्याएं हैं। 15 साल पहले हमारे यहाँ की आदरणीय श्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी जी सर, और जो विकास का कार्य और जो दिल्ली को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानक पे खड़ा किया, तैयार किया, आज वो दिल्ली करा रही है, तड़फ रही है दिल्ली। वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करूँगा, आज राशन से लेकर के और गली मोहल्ले तक एक भी नया काम इस 10 साल के बीच में कोई दिल्ली को मिला नहीं है। और जो दिल्ली में जो काम शीला दीक्षित जी कर गई हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी रिपेयर तक ये सरकार नहीं कर पाई है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी है, राजकुमार आनंद जी के विधायक है, मंत्री भी हैं सर, उसके बावजूद भी आपके क्षेत्र में जो सहूलियतें होनी चाहिए उस तरीके से दिख नहीं पा रही सर यहाँ क्षेत्र। सच्चाई ये है, मुझे किसी पार्टी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी व्यक्ति की नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तो इतना कहूँ कि राजकुमार आनंद जी एक राजनीतिक आदमी नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीतिक समझ की कमी है। क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा और जो सहूलियत और जिसके लोग उम्मीद करते थे आपसे, वो क्षेत्र के लोगों को नहीं मिली है। आपको पीछे इसके बारे में ले जाना चाहूँगा, जो हमारी पहाड़ी का क्षेत्र है, इलाका है, एक अनऑथराइज सुव्यवस्थित इलाका नहीं है। ये बहुत दिनों से हमारे पूर्वांचल के लोग, दिल्ली से बाहर के लोग, जिसमें मैक्सिमम तादाद यूपी बिहार के लोगों की, वहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया। मैं याद कर रहा हूँ 97 में यहाँ पे लोकसभा की यहाँ सांसद थी आदरणीय मीरा कुमार जी, और उन्होंने हर गली गली, हर चप्पे चप्पे का उन्होंने यहाँ दौरा किया, और ये मेरा सौभाग्य था कि उस टाइम मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष था कांग्रेस कमेटी का, और मुझे उनके नेतृत्व में साथ में चलने का मौका मिला, और हमारे अपने पूर्वांचल के बहुत लोग रहते थे, हमने वहाँ पे दौरा किया। आज जिस सड़क पे आप चलते हैं, प्रेम नगर जहाँ पे सेठगिरी का घर है, उससे लेकर के होली चौक तक, ये सड़क हमने 98 में 4,95,00,000 रुपए के इसका बजट लगा करके, और मीरा कुमार जी ने एक सड़क को बनवाया था, और एक सड़क कुंवर सिंह चौक से लेकर के और होली चौक तक, वही सड़क आज तक फिजिबल है। उसके बाद लोगों की आबादी हुई, पानी की समस्या के लिए एक अंडरग्राउंड ट्रेंच जनता पार्क में, ये उनकी बदौलत कांग्रेस के रिजिम में मंजूर हुआ, जिसे बाद में आकर के कृष्णा तीरथ जी ने उस पर काफ़ी काम किया, और राजेश लिलोथिया के आने तक हम लोगों को पानी वहाँ से मिलने लगा। लेकिन आज भी देखी जा रही है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन उसके बाद और बेतहाशा बढ़ी, आगे बढ़ी, और पंजाबी बस्ती के बाद ऊपर जा कर के जो वहाँ पे गायत्री कॉलोनी है, और जो आगे वहाँ पे नेपाली मंदिर है, बहुत अच्छी तादाद हुई लोगों के रहने लग गए। उसके बीच में आप देखेंगे जा कर के तो अंडरग्राउंड 2 बोरिंग चल रही हैं, वो दोनों एक मीरा कुमार की करी हुई है और एक कृष्णा तीरथ की, जिसमें पत्थर लगे हुए हैं। इन 10 सालों के बीच में आप पार्टी ने कोई एक जगह पर एक नई बोरिंग नहीं करी है, और जहाँ तक पानी की सप्लाई की बात थी, टैंकर से पानी भेजने में उनकी अपनी आमदनी होती है, इसलिए टैंकर से वहाँ पर सप्लाई हो रही है, पानी लाइन से सप्लाई नहीं हो रही है, जबकि इसका निराकरण हो सकता है। वहाँ पे बहुत जगह पड़ी है, और मेन लाइन वहाँ से चंद्रावल से आती है, रिजर्वायर एक टैंक वहाँ बनाया जा सकता है, लोगों को पानी मिल सकता है, लेकिन इसकी तरफ कोई केजरीवाल सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कोई हमारे मंत्री या हमारे विधायक जो उसके हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसलिए पानी की समस्या लगातार मुद्दतों से आ रही है, और ये समस्या कभी हल नहीं हुई है। लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, 10 साल से यहाँ पे सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, इलाके में कभी नहीं आई, कभी किसी ने नहीं देखा उनको, ना उनके पास योजना है और ना ही केजरीवाल के पास योजना है। आपकी अपनी क्या भूमिका है, जैसे आप नेता भी हैं कांग्रेस के, तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप सर लोगों के बीच में जाके? हम लोग सेवा देने की स्थिति में कि हम खुद जहाँ उनके दुख दर्द हैं हाजिर हो सके। सच्चाई तो यह है कि हमारे पास कोई पावर ऐसी नहीं है,
हमारे हाथ में कोई आधिकारिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हमारा अधिकार चलता हो हमारे कहने से हो जाए। हम सलाह दे सकते हैं, हम संघर्ष कर सकते हैं, हम लोगों के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहे कि कोई चीज़ मंजूर करा सकते हैं तो हम सरकार के अंग नहीं है इसलिए नहीं करा सकते। सर आप इतने पुराने हो सर मिश्रा जी, पार्टी से जुड़े हुए, कभी आपने चुनाव के लिए कभी सोचा नहीं है पार्टी ने आपको उस कैपेबल टिकट के लायक समझा नहीं आपको? ये शायद मेरा दुर्भाग्य रहा है, मैं सवर्ण क्लास से आता हूँ और जब मैं विधानसभा की बारी थी तब ये रिजर्व थी, विधानसभा लायक नहीं है, और जब कॉरपोरेशन बनी यहाँ पे चार टुकड़ों में बटी तब भी रिजर्व रही दोनों बार, जनरल एक बार हुई यहाँ पे, उन लेडीज रही जेंट्स तब भी नहीं हुआ। लेडीज मेरे घर में कोई चुनाव के लायक नहीं है, और जो चुनाव जो घर में है भी बच्चे हमारे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन लेडीज़ को हम राजनीति में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते अपने यहाँ से, ये शायद मेरी कमी भी मान लीजिए, इसलिए प्रयास बहुत नहीं किया। बाकी पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ रही हैं, और मैंने भरपूर कोशिश करी है कि मुझ जिम्मेदारियों पर खरा उतरूँ, और ये पार्टी के ऊपर है, जिस दिन जब भी आदेश करेगी चुनाव भी लड़ा जाएगा, चुनाव की भी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आरके मिश्रा जी आपका। तो ये हमारे सीधी बात आरके मिश्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।